गौतम गंभीर और अर्जित अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें बोले, चले मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, कर लेना यार। चले क्या कहा गौतम गंभीर और अर्जित अगरकर ने, सबसे पहले उन्होंने विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के फैंस के लिए गुड न्यूज दी है। गौतम गंभीर का विराट कोहली एंड रोहित शर्मा बड़े स्टेज के प्लेयर है, अभी उनकी काफी क्रिकेट बाकी है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है, देन अगर उनकी फिटनेस एंड फॉर्म अच्छी रही तो 2027 वनडे वर्ल्ड कप भी वो खेलेंगे, ये तो अच्छी न्यूज है। जडेजा ने अक्षर पटेल से रिलेटेड उन्होंने बताया, दोनों को टीम में लेना कोई फायदा नहीं है, किसी एक को बेंच पर बिठाना ही था, जडेजा को ड्रॉप नहीं किया हमने, टीम इंडिया को लंबी टेस्ट सीरीज खेलनी है, मतलब उन्होंने साफ क्लियर कर दिया, जडेजा को उन्होंने फिलहाल रेस्ट दे दिया। हार्दिक पांडे से रिलेटेड उन्होंने बताया, हार्दिक पांडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर बट फिटनेस क्लियरली एक चैलेंज है, सो हम चाहते हैं कोई ऐसा एक प्लेयर कैप्टन बने जो ऑल टाइम अवेलेबल रहे, इसलिए सूर्य कुमार यादव हमारी फर्स्ट चॉइस थी। गिल के बारे में उन्होंने बताया, गिल तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है। शमी से रिलेटेड वो बताया, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में शमी वापसी कर सकते हैं, एंड यंगस्टर्स के बारे में उन्होंने बताया, उन्हें कंसिस्टेंटली स्कोर करना होगा। ये मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, बाकी इसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।